टॉपिक जो था वो फीटल एनोमलीज हैं और फीटल एनोमलीज के बारे में कुछ थोड़ी सी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सामने आपको एक डेट नजर आ रही है, 20th May 1989। ये वो दिन था जब आज से 27 साल पहले मैंने अपना पहला जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का पहला दिन था मेरा, आज से 27 साल पहले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक खोला था। उस दिन अब यंग लोग हैं इसलिए मुझे कुछ ना नॉन अल्ट्रासाउंड वाली बातें ज्यादा आ रही हैं। उस टाइम जो जहन में था मेरे और मेरे मिसेस के, तो वो ये था कि एक काम कर लें, कोई भी एक काम करें। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये बात अच्छी लगे, कोई भी जिंदगी में एक काम करें और उसको पूरी मेहनत और लगन से करें, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। कुछ एनोमलीज जो है हमने अपनी लाइफ में खुद बनाई हुई है, उसमें एक कुछ कॉन्सेप्ट की एनोमलीज है। और सबसे बड़ी एनोमली ये है कि रिस्क जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है उसके लिए हम प्लानिंग करते रहते हैं, और जो चीज हेयर आफ्टर जिसके लिए हमें मेहनत करनी है उसको हम छोड़ बैठे हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स की एक एनोमली है, अल्ट्रासाउंड में भी इसको अप्लाई करके देख लें। और रिस्क का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया हुआ है, आपने सिर्फ ये करना है कि इसको हलाल तरीके से लेना है, ठीक है। ये यंगर्स के लिए एक मैसेज। फीटल मैलफॉर्मेशंस के लिए बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन पर्सनली विद द टाइम मैंने जो रॉजर सैंडर्स के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन दी हुई है एनोमलीज की, इसको मैं समझता हूँ कि यंगर्स के लिए बेस्ट है। इसमें से कुछ चीजें हम आगे चल के देख लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर, ये जो भी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर कोई भी आपको टेक्स्ट की स्लाइड नहीं मिलेगी। और थैंक्स डॉक्टर सौरभ नवाज, उन्होंने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं जब उन्होंने फीटल क्रोमोसोमल एनोमलीज पे डिस्कस किया था। मैं ये सारी प्रेजेंटेशन जो है ये वीडियोस पे बेस्ड है, जो कि मेरी अपनी पर्सनल रिकॉर्डेड है हमारे क्लिनिक पे। इसमें तीन चीजें आप देख रहे हैं और इसमें लेबल भी हुई हुई हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, एब्सेंस ऑफ स्कल वॉल, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एक रेडियम में क्या होगा, एब्सेंस तो होगी स्कल वॉल की, लेकिन एक रेनियम कब कहेंगे, जब ब्रेन टिश्यू होगा, ठीक है, ब्रेन टिश्यू नजर आ रहा होगा अबंडेंट या नॉर्मल अमाउंट में। और जब ब्रेन टिश्यू कम हो जाएगा देन वी कॉल इट एक्सेंसेफेली, और जब ब्रेन टिश्यू बिल्कुल नहीं होगा तो देन वी कॉल इट एनेंसेफेली, ठीक है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम है कि शुरू में ब्रेन टिश्यू होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि ब्रेन फ्रैबल है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है आस्ते आस्ते एनेंसेफेली। लेकिन ये आप जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं एक्रेनिया की, ये तकरीबन 25 ईयर से ऊपर का फीटस है, तो ये थ्योरी जरूरी नहीं है कि इसके अंदर अप्लाई हो। टू अदर वीडियोस ऑफ एनेंसेफेली एंड एक्रेनिया, इसको फोकस कर लेंगे प्लीज थोड़ा सा। Now these three pictures, three videos, what we see, what the Alan Kepler looks on, four D ultrasound. ये सबसे ऊपर जो पहली पिक्चर है, पहली वीडियो है ये वाली, क्या देख रहे हैं इसमें आप? ये आमतौर पर कोई बंदा सर पकड़ के बैठा हो तो हम क्या कहते हैं कि यार क्या सोच रहे हो, तो इसमें हैरत है कि इस बात में उसका दिमाग नहीं है लेकिन वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इंसान दिमाग से ही सोचता हो, जस्ट के बाद ये सौलत ने आपको बताया था कि ये एक माइनर मार्कर है कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट। इसके अंदर जो वीडियोस में आपको शो किया गया है ये एक साइड पे भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, दोनों से एक से ज्यादा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन प्रेजेंट विद अदर मार्कर्स, अलोन इनका जो है आप माइनर मार्कर है एक नंबर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद डेंडी वर्क का वेलफेयर मिशन है और ये पोस्टीरियर फोसा सिस्ट, इसमें फ्लूइड फील्ड एक एरिया है पोस्टीरियर फोसा के अंदर, इसके अंदर भी फ्लूइड फील्ड एरिया है पोस्टीरियर फोसा के अंदर। इसके अंदर आप देखें जो डेंडी वर्क मैलफॉर्मेशन की ट्राइड है जिसमें तीन चीजें होती है, नंबर वन डायलेटेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, नंबर टू द सेरिबेलम बॉडीज आर लाइंग अपार्ट एंड द ब्रीदिंग वर्मस इज यूजुअली एब्सेंट, लेकिन इसके इन बिटवीन भी बहुत सारी और कंडीशन होती है। तो इन दोनों में ये देखें कि इसके अंदर सेरिबेलम जो है इट इज नॉट लाइंग, बोथ बॉडीज आर नॉट लाइंग अपार्ट एंड जो ब्रीदिंग वर्मस है वो इंटैक्ट है, और ये पीछे जो डायलेटेशन है ये कंफाइंड एक्सिस्ट है और इसके अंदर ये डायलेटेड है। तो ये डेंडी वर्कर में आएगा, ये सिंपल पोस्टीरियर फोसा सिस्ट में आएगी। ठीक, दो और एग्जांपल्स, दो और वीडियोस हैं डेंडी वर्कर मेलफॉर्मेशन किसकी, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं इन बिटवीन, वो डिटेल से डिस्कस भी हो चुके हैं, डिटेल का भी टाइम भी नहीं है, ये जस्ट शो यू कि किस तरह से ये लाइंग अपार्ट है और इसके साथ एसोसिएटेड आपको डायलेटेड लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल डायलेटेड ये आपको नजर आया, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, इसमें भी लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल डायलेटेड। इसके बाद ये तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं और इन तीनों के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द हेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की कोई वहां से क्लॉट होता है, जो सेरिबेलम है वो डेवलप नहीं होता, दैट इज रिप्लेस्ड बाय फ्लूइड, ठीक है। और इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, अभी आपने आवाज सुनी कि इसके अंदर और बाकी में डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो बताया कि इसमें फॉक्स नहीं होता, लेकिन इसका फॉक्स तो हॉलो प्रोजन कैथेली में भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको सेरिब्रम नहीं नजर आएगा, सेरिब्रम बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा, नीचे सिर्फ आपको ब्रेन स्टेम नजर आएगा और सेरिब्रम आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, इसको आप हेड्रन कैथेली कहेंगे, ठीक है। और जब कुछ ना कुछ कॉर्टेक्स आपको नजर आ रहा है जैसे इसके अंदर है लेकिन वो इनकम्प्लीट है तो ये होलोप्रेजेंट कैथेली है, इसमें भी फॉक्स नहीं होगा, और जिसमें फॉक्स होगा वो यूजुअली हेड्रेटोफिलस। हेड्रेटोफिलस में भी मजीद अगर आपने उसको डिटेल से देखना है तो इसमें फिर आप देखें कि बार दफा सिर्फ एक वेंट्रिकल डायलेट होता है, उसकी इसमें वीडियो नहीं है, इसमें दोनों वेंट्रिकल डायलेटेड है, थर्ड वेंट्रिकल डायलेट नहीं है, इसमें तीनों वेंट्रिकल डायलेटेड है और इसमें चार वेंट्रिकल डायलेटेड है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे इन डिटेल ताकि जब आप असेस करें, और एक और चीज है ऑफ के स्कैन में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑफ का स्कैन आप जब भी करते हैं चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, सबसे आप पहले आप क्या देखते हैं, आप उसको देखने की कोशिश करते हैं जेस्चर सेट है या नहीं, अगर जेस्चर सेट नहीं मिलती तो तकरीबन आपका काम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको जेस्चर सेट मिल जाती है तो फिर आपका आपने एक काम और आगे करना है, वो क्या है कि आपने एम्ब्रियो देखना है, ठीक है, योक सेक देखना है। अगर आपने एम्ब्रियो देख लिया है तो आपने एक काम और आगे करना है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, वो भी नजर आ गई, फिर आपने एक काम और इसी तरह ये पूरी ऑब्स्टेट्रिक्स है, इसके अंदर जब भी आपको कोई एक एनोमली मिलेगी आपने वहां रुकना नहीं है, आपने उसको मजीद आगे देखना है, मजीद अनलेस के और कोई चीज एबनॉर्मलिटी आपको नजर आना या नजर ना आ सके, ठीक। ये थर्ड वेंट्रिकल है डायलेटेड है और थर्ड बाकी लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल की जो अपर लिमिट है 10 और कुछ लोग लेटरल वेंट्रिकल के लिए वेंट्रोमेगाली की अपर लिमिट 13 तक लेते हैं, लेकिन ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसकी जो लिमिट है ये 28 वीक्स तक या 30 वीक्स तक 2 mm है, इससे ज्यादा डायलेटेड नहीं होना चाहिए। और जो 40 वीक्स तक है टर्म्स तक इसकी अपर लिमिट है 3.5 mm। इसके बाद ये होलोप्रोजन कैफेली की 2 वीडियोस हैं,
होलोप्रिज्म कैफेली में क्या होता है कि इट इज इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ टू हेमिस्फेयर्स की जो सेपरेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो मिड लाइन के ऊपर ब्रेन के अंदर और फेस के ऊपर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ज़्यादातर ये हॉर्स शू शेप वेंट्रिकल होता है सिंगल, और जो फेशियल है उसको आपको मिडल रिज की आपको ये जो दोनों आई बॉल्स हैं ये नियर मिलेंगे, हाइपोटिलरिज्म जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है ये दोनों आई बॉल्स बिल्कुल नजदीक होंगे, ठीक है, और मिड लाइन पर इसमें फॉक्स नहीं मिलेगा आपको, नोस्टल सिंगल मिलेगी या प्रोबोसिस मिलेगी, नाक नहीं होगी लेकिन एक सूंड नुमा एक चीज़ होगी उसमें नोस्टल सिंगल भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये मिड लाइन इसमें भी नॉर्मल से मिलेगा और सिंगल हॉर्स शू वेंट्रिकल। इसकी और वेरिएंट्स देख लें, ये तीन किस्म का होता है, लोबार, सेमी लोबार और ए लोबार, और ए लोबार की फिर दो तीन किस्में डिटेल में आप बुक्स में देख लीजिएगा, इसके सब चीज़ें दी हुई हैं, इससे फिर देखें कि इसमें पार्क्स नहीं होगी, कॉर्टेक्स है और थैलमाई को आपने देखना है जिसके ऊपर आपने जज करना है कि कौन सी टाइप है, कहीं आपको थैलमाई फ्यूज मिलेंगे और किसी में थैलमाई फ्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है। Just very simple, it is a lemon sign, just put a lemon over there, I spend lot of time, okay. And other is banana sign. ये दोनों conditions आप किस 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 और anomaly है उसके अंदर आप देखते हैं? Arnold chair malformation है और ये जो है spina bifida इसके अंदर herniation होगी, ये आपको इस तरह चीज नजर आती है। ये बनाना साइन है, ये लेमन शेप है, ये यहाँ पर ये बनाना साइन। इसके अलावा कुछ और सिस्ट होती हैं ब्रेन के अंदर हेड में जिन्हें आप लेबल करते हैं प्रिज्म सेफेलिक सिस्ट एंड अरेक्नाइड सिस्ट। जो प्रिज्म सेफेलिक सिस्ट हैं दीज आर द फोकल सिस्टिक एरियाज ऑफ सिस्टिक डिजनरेशन, और जो अरेक्नाइड सिस्ट हैं these are usually associated with dilatation of arachnoid space and that contains CSF. Here there are two midline cystic structures, in one you cannot see any flow and in the other you can see a flow. Actually this is the third ventricle which is above towards vertex and it is due to absence of corpus callosum, and this midline structure this is actually AV malformation and that is due to wear of Galen aneurysm. Iske baad next entity aa jati hai cystic hygroma, aur iske andar lymphatic system ke andar problem hai, kal bhi aapne details se iski jo intervention hai wo Dr. Thong se suni hai, और इसके अंदर माइल्ड के अंदर देयर इज सम सिस्टिक स्पेसेस एट द बैक ऑफ द नेक, और मॉडरेट और सीवियर के अंदर इसमें एसोसिएटेड हाइड्रोस के फीचर्स मिलेंगे। हाइड्रोस के फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं, स्किन थिकनेस है, प्लूरल इन्फ्यूजन है, साइटिस है, ठीक है, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन है, इनमें से आपको कोई ना कोई फीचर प्राप्त। ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है सीवियर के अंदर, ये मल्टीपल सिस्ट आपको नजर आएंगी, नॉन कम्युनिकेटिंग स्किन थिकनेस आपको नजर आएगी, प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, ये प्लूरल इफ्यूजन है, एसाइटिस आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्रॉसली थिकन स्किन है, स्कैल्प एडिमा आपको नजर आ रहा है, और ये जो लिम्फ फिल्ड सिस्ट है एट द बैक एंड लेटरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेक, दीज हैव मल्टीपल सेपरेशन, जितनी ज्यादा सेपरेशन होंगी उतनी ज्यादा ये सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट कम सम वीडियो अबाउट एनसेफेलोसील, और एनसेफेलोसील में जो आमतौर पर डिफेक्ट है स्कल के अंदर वो ऑक्सीपिट पे होता है, लेकिन ये देखें इस पिक्चर में ये ऑर्बिट आपको नजर आया था, दोबारा इसको आएगा तो आपको दिखाते हैं, और भी ये फ्रंटल साइड पर है और ये बहुत रेयर है, फ्रंटल
एनसेफेलोसील इज वेरी रेयर, ये दे ऑर्बिट है और ये फ्रंट फ्रंट ऑफ साइड पे आपको ये ऑक्सीपिट की तरफ है। टू मोर एनसेफेलोसील, आई एम इन जस्ट लिटिल बिट हरी बिकॉज ऑफ दैट टाइम कंस्ट्रेंट। ये ऑक्सीपिट के ऊपर है हर्निएशन, इसके अंदर सिर्फ मेनिंजीज और फ्लूइड है, मेनिंगोसील आप उसको कहेंगे, लेकिन जब ब्रेन टिश्यू साथ होगा तो मेनिंगो एनसेफेलोसील या खाली एनसेफेलोसील डिपेंडिंग अपॉन दैट हर्निएशन। और इसके अंदर आपने खास एक चीज देखनी है, जब भी एनसेफेलोसील मिले तो जैसे मैंने कहा कि आपको कोई भी एक एबनॉर्मलिटी मिलती है आप उस पर स्टे ना करें, दूसरों को और मजीद सर्च करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर इसी दोनों वीडियोस में आपको नजर आ रही है कि इसकी किडनी इकोजेनिक है, ठीक है। इसमें थर्ड चीज अगर आप काउंट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, दैट इज पॉलीडेक्टिली, तो वो फिर कौन सी सिंड्रोम बनती है? मेकल ग्रुबर सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन क्योंकि आमतौर पर किडनी की डिजीज होती है, व्हेनेवर देयर किडनीज आर इन प्रॉब्लम, तो उसमें लाइकर भी कम होता है, जब लाइकर कम होगा तो आपको विजिबिलिटी परचेज होगी कम मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ रैंडम मरीजों पे। डॉक्टर अमजद इकबाल साहब ने अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड खाने में कैसी होती है, ठीक है। इस बच्चे को पता है, उसको सक कर रहा है, ट्राई कर रहा है, दांत नहीं है तो काट के भी देख लेता है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट इंसिडेंट ऑफ फाइंडिंग कि ये आपको अम्बिलिकल कॉर्ड है और फीटस जो है उसको बड़े मजे से सक कर रहा है, ठीक है। ये क्लेफ्ट लिप 2D के अंदर आपको इस तरह से नजर आएगा, एक गैप और एंड अपर लिप, और 4D के अंदर ये आपको क्लियर कट फेस फेस पे आपको नजर आ रहा है। डॉक्टर सौरभ साहब ने आपको मार्कर्स के अंदर माइक्रोगिनेथिया बताया था, दिस आर द टू केसेस ऑफ माइक्रोगिनेथिया, रिट्रैक्टेड चिन एंड सम टाइम मैंडिबल इज आफ्टर एब्सेंट इन दिस केसेस। देयर इज मैस इन फ्रंट ऑफ नेक, दिस इज आई, दिस आर आईबॉल्स, दिस इज द फ्रंट ऑफ द नेक, there is a mass, this is neck, and this is a mass in front of neck, so most likely it is some thyroid mass. ये अगली प्रेगनेंसी है, that is about 10 weeks, और इसके अंदर फीटल हार्ट है, आप देख रहे हैं, that is lying just at the anterior chest wall, outside the chest, and here is ectopia cardis, you can see this heart that is lying in the lichen outside the chest. This is another incidental finding. Here you can see a gallbladder with echogenic bile. What could be the cause? Here is another video. Here you can see fetal heart which is pushed towards the right side, and there is a large cystic mass in the chest, and when we you can see there is no abdominal bubble, yes, bubble sign, stomach, there is no stomach, stomach is large and shifted in the chest, and that is the fragment of hernia. Heart is pushed towards the right side. तो ये कि कौन सा होगा? कौन सा डायफ्रेगमेटिक हर्निया होगा? एक राइट साइडेड होता है, एक लेफ्ट साइडेड होता है। लेफ्ट साइडेड, ठीक है? ये एंटीरियर एब्डोमिनल डिफेक्ट की भी बात हो चुकी है पहले। इसमें इस साइड पे आपको ऑफिसियल नजर आ रहा है और इस साइड पे गैस्ट्रोशाइसिस। ये जो गैस्ट्रोशाइसिस में है इसमें पैरा अम्बिलिकल डिफेक्ट होता है, जिसमें से बॉल लूप्स हर्निएट होके बाहर आई होती हैं, ठीक है। उनकी और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे इंसर्ट हो रही होती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड अपनी ओरिजिनल जगह पे इंसर्ट हो रही है और जो लूप्स हैं वो पैरा अम्बिलिकल डिफेक्ट से बाहर आ रही है।
इसके अंदर पूरा अम्बिलिकल रीजन है दैट इज बल्ज आउट, ठीक है, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड ऑन दैट मैस, व्हिच वन इज मोर डेंजरस, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गैस्ट्रोचेसिस जो है ये इन्फ्लुएंशियल इसलिए कि ये इट इज रिजोल्यूशन क्रोमोसोमल एनोमलीज, ठीक है, और इसके अंदर जो ये डिपेंड करता है इसकी कितनी लूप्स या गट्स बाहर है, इसकी सर्जिकल रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती, और इन्फ्लुएंशियल आमतौर पर अदर एसोसिएटेड जो मार्कर्स हैं उसके साथ होगा, आपको क्रोमोसोमल एनोमलीज होती है और उसका आउटकम आपको पता है दैट इज नॉट दैट मच क्लोज. जी ये फीमर ब्रोकन है, एक फीमर और दूसरी फीमर यहाँ देखें वो इससे ज्यादा शायद, ये दूसरी फीमर है ये बिल्कुल ये ब्रोकन है, ठीक है, तो ये होती है आमतौर पर कंडीशन, आमतौर पर तो नहीं रेयर कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट. द नेक्स्ट वीडियो इज conjoined twins that are attached at the anterior abdominal wall. ये आप दो स्टमक देख रहे हैं दोनों, ठीक है, और इसकी पिक्चर में ये दोनों हार्ट आपको नजर आएंगे, और तो these both are attached at the anterior, ये दोनों हार्ट आपको नजर आ रहे हैं anterior chest और anterior abdominal wall पे ये दोनों join हुए हैं. Hydrospetalus ये early changes हैं, minimal स्किन थिकनेस नजर आ रही है, एडवांस होगा तो उसके अंदर ये इसमें कार्डियोमेगैली भी है, एसाइटिस भी है, और इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर सिर्फ स्किन थिकनेस अभी है, इसमें बाकी चीजें भी डेवलप नहीं है. यू कैन सी अ लार्ज ब्लैडर विद कीहोल साइन, हियर इज आल्सो लार्ज ब्लैडर विद कीहोल साइन एंड bilateral dilatation of the collecting system या hydronephrosis, ठीक है, तो ये आमतौर पर कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर ये आप देखते हैं ये posterior urethral valves, ठीक है, उसके अंदर ये आपको इस तरह की कंडीशन नजर आएगी, ये typical keyhole sign आपको नजर आएगा इसमें भी, और हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो तो आप कॉमनली देखते हैं, डायलिटेशन है वो भी है, लेकिन एक चीज जो कि आप देख सकते हैं 30 वीक्स के फीटस में, लेकिन दूसरी चीज 30 वीक्स के फीटस तक फीटस जाएगा ही नहीं, वो ये है फीटर मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, इफ बोथ किडनीज आर इन्वॉल्व फीटर विल नॉट सर्वाइव आफ्टर 18 वीक्स, आफ्टर 18 वीक्स ये फीटर सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन अगर एक साइड पर है तो ये फीटस सर्वाइव कर सकता है और आगे जा सकता है. Another one, there is a large equilateral mass. We have to decide ये कहाँ पर है, ये स्पाइन के बिल्कुल पास है, जिस एरिया में किडनी है उस जगह पर है, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं. ये इसमें ये किडनी है, द किडनी के अपर पोल के ऊपर ये कुछ एक मैस है, और जो सबसे कॉमनेस्ट जो यंगर एज में या चाइल्ड के अंदर या फीटस के अंदर ट्यूमर हो सकता है दैट इज विल्स ट्यूमर, दैट इज हाईली मैलिग्नेंट, और इसकी मेटास्टेसिस का जो सबसे कॉमनेस्ट वो है वे वो कौन सा है, ये मैंने 2-3 केसेस देखे हैं इन्फेंट्स के अंदर भी, ये आईवीसी के थ्रू मेटास्टाइज होता है ज्यादा. ये दूसरी जो डॉक्टर तौसीफ कमर साहब बता रहे थे आर्टरीज, आप दोनों देखेंगे ब्लैडर के दोनों साइड के ऊपर, ये क्योंकि एसाइटिस है बहुत अच्छी नजर आ रही है, और ये ब्लैक एंड वेन भी आप बहुत नाइसली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और इस these are large abdominal cysts, unibladder, you can see unibladder over there. अगर हमें unibladder नहीं नजर आ रहा जैसे कि इस पिक्चर में है, और अगर unibladder नजर आ रहा है तो then ये abdominal cyst है. अगर फीमेल फीटस होगा तो मोस्ट लाइकली ये ovarian cyst हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर bladder नजर नहीं आ रहा और ये एक ही cyst है जो pelvis में, then we can label it as a megacystis.
इसमें यूरिन ब्लैडर आपको अलग नजर आ रहा है और ये एनलार्ज सिस्ट आपको अलग नजर आ रहा है। मैंने बस ये लास्ट स्लाइड, ये सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट की फिगर ऑफ एट इस तरह से नजर आएगी आपको, और ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में है, सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट और सिंगल वेन इस तरह से आपको नजर आएगी।